हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी ट्रिक्स। और हम आज 10 ऐसी हिंदी वेब सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसे आप हॉटस्टार पे देख सकते हैं। हॉटस्टार पे बहुत सारी अच्छी अच्छी वेब सीरीज आ चुकी है जिनके बारे में पहले भी 3 वीडियो बना चुका हूं, और ये उसी वीडियो सीरीज का 4th पार्ट है। तो अगर आप पहली 3 वीडियो को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली सीरीज नंबर 10 पे जो आ रही है उसका नाम है फॉल। ये एक मिस्टिकल थ्रिलर वेब सीरीज है जो आई है 2022 में है। और इसकी कहानी शुरू होती है एक लड़की के साथ जिसके साथ कुछ हुआ है और उसके वजह से उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, और अभी वो लड़की कोमा में है। अब ये लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया है और उसके पीछे का राज क्या है, और क्या उसने जानबूझ के सुसाइड अटेम्प्ट किया है या कोई मर्डर है, यही चीजें आपको इस सीरीज में दिखाई गई है। सीरीज शुरुआत में तो काफी नॉर्मल सी लगती है क्योंकि आप पहले इस तरह की सीरीज तो देख चुके होंगे, लेकिन जैसे जैसे इसका एपिसोड आगे बढ़ता है सीरीज काफी कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है। और इसके एक सीजन में 7 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 40 से 45 मिनट की बीच की है, और रेटिंग इस सीरीज को मिली है 5.4 की। सीरीज जो नंबर 9 पे आ रही है उसका नाम है स्कूल ऑफ लाइज। ये सीरीज भी एक मिस्टिकल थ्रिलर वेब सीरीज है जो 2023 में रिलीज हुई है, लेकिन ये एक 18+ सीरीज है, तो आप अपनी फैमिली के साथ इस सीरीज को ना ही देखें तो अच्छा होगा। और इस सीरीज की कहानी शुरू होती है एक स्कूल से जहाँ एक बच्चा लापता हो गया है। अब उस बच्चे को ढूंढने के लिए उसके परिवार वाले, उसके टीचर्स और पुलिस वाले ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या वो बच्चा सचमुच में लापता हो गया है या फिर उसका मर्डर हो गया है, यही चीजें आपको इस सीरीज में दिखाई गई है। और इस सीरीज का एक सीजन जिसमें 8 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 40 से 45 मिनट की बीच की है, और रेटिंग इस सीरीज को मिली है 5.9 की। नेक्स्ट सीरीज जो नंबर 8 पे आ रही है उसका नाम है सेव द टाइगर। सीरीज आई है 2023 में और ये एक कॉमेडी सीरीज है, और इस सीरीज का नाम सुन के आप ये नहीं समझिएगा कि ये कोई जंगल में टाइगर को बचाने की कहानी है। ये 3 मर्दों की कहानी है जो अपने बेटों के थ्रू एक दूसरे से मिलते हैं और आपस में बात करते हैं कि शादी से पहले कैसे वो टाइगर की जिंदगी जी रहे थे और शादी के बाद सब कुछ खत्म हो गया है। अब इसी टॉपिक को लेकर यह पूरी स्टोरी बनाई गई है, और स्टोरी में ये बात अच्छी है कि भले ही ये साउथ इंडियन लैंग्वेज वाली सीरीज है लेकिन इसका हिंदी डबिंग काफी अच्छा है, और इसमें कुछ कुछ पॉइंट जो कॉमेडी के हैं वो भी काफी अच्छे हैं। और इस सीरीज का एंडिंग जो है उसको अच्छे से किया गया है, और फिलहाल तो इस सीरीज का एक सीजन आया है जिसमें टोटल 6 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 25 से 30 मिनट की बीच की है, और रेटिंग इस सीरीज को मिली है 8.2 की। सीरीज जो नंबर 7 पे आ रही है उसका नाम है पॉपकॉर्न। ये एक कॉमेडी सीरीज है जो आई है 2022 में, और इसके लीड एक्टर में आपको दिखाई देने वाले हैं कुणाल खेमू, और साथ में सपोर्टिंग एक्टर है राजपाल यादव, जॉनी लीवर और ढेर सारे अलग एक्टर्स। और इस सीरीज की कहानी कुछ ऐसी है कि कुणाल खेमू का शादी होने वाला है, लेकिन शादी से पहले उसे पता चलता है कि जो उसका बाप है वो असल में उसका बाप है नहीं, बल्कि उसके बाप कोई और है। और जिस लड़की से वो शादी करने वाला होता है उसके पिता इसको बोलते हैं कि अगर उसे शादी करनी है तो अपने पिता का पता लगाना पड़ेगा। अब कुणाल के पिता कौन है इसी के ऊपर ये पूरी सीरीज बेस करती है। इस सीरीज का एक सीजन है जिसमें 6 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड लगभग 30 मिनट की है, और रेटिंग इस सीरीज को मिली है 6.3 की। नेक्स्ट सीरीज जो नंबर 6 पे आ रही है उसका नाम है अमित बराना LLB। सीरीज आई है 2022 में और ये एक कॉमेडी वेब सीरीज है। अगर आप अमित बराना के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि वो एक बहुत बड़े यूट्यूबर है जिनके 20 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और वो काफी फनी वीडियो बनाते हैं। जैसे हम बीबी की वाइंस को पहचानते हैं, उन्हीं की तरह इन्होंने भी अपना एक सीरीज लॉन्च किया था 2022 में जिसमें वो एक लॉयर का रोल प्ले कर रहे हैं, और ये सीरीज उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो आप इसको एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। और इसका एक सीजन है जिसमें 7 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड लगभग 10 से 15 मिनट के बीच की है, और रेटिंग इस सीरीज को मिली है 7.7 की। नंबर 5 पे जो सीरीज आ रही है उसका नाम है आर या पार। सीरीज आई है 2023 में और ये एक मिस्टिकल थ्रिलर वेब सीरीज है। इस सीरीज की कहानी शुरू होती है एक जंगल में जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं और जिनका बाहरी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होता है, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है जिसे पता चलता है कि इस कबीले के नीचे कुछ रेयर मिनरल्स हैं जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा प्राइस मिलेगी, और इसीलिए वो लोग इस मिनरल को पाना चाहते हैं। अगर आपने अवतार मूवी देखी है तो इस सीरीज की कहानी भी हल्की फुल्की वैसी ही है, और इस सीरीज में कमाल का एक्शन है। और इसका एक सीजन आया है जिसमें 6 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 40 से 45 मिनट के बीच की है, और रेटिंग इस सीरीज को मिली है 7.6 की।
सीरीज जो नंबर 4 पे आ रही है उसका नाम है शैतान। ये सीरीज आई है 2023 में और ये एक एक्शन क्राइम सीरीज है जिसकी कहानी शुरू होती है एक क्रिमिनल के साथ जो फिलहाल जेल में बंद है और जेल से निकलने के बाद वो एक नक्सलवादी वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। अब उस क्रिमिनल को पुलिस ढूंढ रहे हैं और वो उनसे भाग रहा है। इसी के ऊपर ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। स्टोरी का टोटल एक सीजन है जिसमें 9 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 20 से 25 मिनट की बीच की है और रेटिंग इस सीरीज को मिली है 7.4 की। अगली सीरीज जो नंबर 3 पे आ रही है उसका नाम है ताज़ा खबर। सीरीज आई है 2023 में और ये एक फैंटेसी ड्रामा सीरीज है। सीरीज के लीड रोल में हमको बीवी के बाइंस के भुवन बाम दिखने वाले हैं जो बहुत गरीब रहते हैं, लेकिन एक दिन उनकी किस्मत ऐसी चमकती है कि उन्हें हर एक खबर वक्त से पहले मिल जाता है और इस चीज का वो काफी फायदा उठाते हैं। हालांकि बीवी की बाइंस की तरह ये सीरीज उतनी फनी तो नहीं है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है और ये सीरीज फिलहाल 2023 की इंडिया की मोस्ट वॉच वेब सीरीज है। फिलहाल तो इस सीरीज का एक सीजन आया है जिसमें 6 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 30 से 40 मिनट की बीच की है और रेटिंग इस सीरीज को मिली है 8.3 की। नेक्स्ट सीरीज जो नंबर 2 पे आ रही है उसका नाम है द नाइट मैनेजर। सीरीज आई है 2023 में और ये एक क्राइम मिस्ट्रिकल वेब सीरीज है जिसके लीड कैरेक्टर है आदित्य रॉय कपूर और अनिल कपूर। और कहानी शुरू होती है अनिल कपूर से जो एक आर्म्स डीलर है, लेकिन उनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और इसी सबूत को ढूंढने का काम शुरू करते हैं आदित्य रॉय कपूर जो असल में एक होटल में नाइट मैनेजर है, लेकिन कुछ चीज होने के चलते वो एक स्पाई बन जाते हैं। और सीरीज की एक बात खास है कि इस सीरीज का तो एक सीजन है जिसमें टोटल 4 एपिसोड्स हैं, लेकिन सीरीज के अंत होने के समय इसके सीजन 2 का ट्रेलर भी आपको दिखाया जाता है और हर एक एपिसोड इसका 45 से 50 मिनट की बीच की है। और हमारी आखिरी सीरीज जो नंबर 1 पे आ रही है उसका नाम है सास बहू और फ्लेमिंगो। ये एक एक्शन क्राइम सीरीज है जो आई है 2023 में और अगर आपको मिर्जापुर या पाताल लोक जैसी सीरीज पसंद है तो ये सीरीज तो आपको जरूर पसंद आने वाली है क्योंकि इसमें एक फैमिली है जो ड्रग्स की स्मगलिंग करती है और उनके ऊपर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी का हाथ होता है और एक पुलिस वाला है जो इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बस इस कॉमन सी स्टोरी में एक चेंज है कि यहाँ पे जितने भी लीड कैरेक्टर्स हैं वो सारे फीमेल्स हैं। और एक बात तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि ये सीरीज तो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देखें तो अच्छा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो माता पिता या बच्चों के साथ नहीं देखना चाहिए। और सीरीज का एक सीजन है जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 45 से 50 मिनट की बीच की है और रेटिंग इस सीरीज को मिली है 8.1 की। तो दोस्तों ये थी हमारी 10 ऐसी हिंदी वेब सीरीज जिसे आप हॉटस्टार पे देख सकते हैं। ये उस वीडियो सीरीज का 4th पार्ट था और हॉटस्टार पे IPL और HBO के जाने के बाद अब ऐसी ही ऐसी सीरीज ही बची हैं जिसे आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और यहाँ तक आ ही चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।